नमस्कार, इंकलाब टीवी चैनल में आपका स्वागत है। नौ सूत्री मांगों के समर्थन में स्वास्थ्य कर्मियों ने मायागंज अस्पताल अधीक्षक के कार्यालय के समीप दिया धरना। बिहार राज्य चिकित्सा एवं जनस्वास्थ्य कर्मचारी संघ गोप घुट के द्वारा मायागंज अस्पताल के अधीक्षक कार्यालय के समीप नौ सूत्री मांगों के समर्थन में धरना और प्रदर्शन किया। संघ के मायागंज अस्पताल के स्वास्थ्य विभाग के अध्यक्ष मोहम्मद शदरुद्दीन की अध्यक्षता में आयोजित धरना प्रदर्शन के दौरान कोविड-19 के संक्रमण काल के दौरान सार्वजनिक अवकाश के दिनों में काम करने वाले कर्मी को अल्पाहार और भोजन मद की राशि 350 रुपये प्रतिदिन के अनुसार जल्द से जल्द दिए जाने, जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में नवनियुक्त नर्सों के बकाए वेतन को जल्द दिए जाने सहित सभी लोगों की मांगों को जल्द पूरा किए जाने की मांग की गई। इस दौरान आक्रोशित स्वास्थ्य कर्मियों ने बताया कि अस्पताल अधीक्षक से इस बाबत कई दौर की बात हो चुकी है और उन सभी को आज तक सिर्फ आश्वासन की ही घुट्टी पिलाई जा रही है। अगर उन सभी की मांग को जल्द से पूरा नहीं किया गया तो विवश होकर वे उग्र आंदोलन किए जाने को मजबूर होंगे। प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में स्वास्थ्य कर्मी मौजूद थे। फरवरी 2021 को हम लोग मायागंज अस्पताल आउटडोर में बैठक किए थे और उन्हें नौ सूत्री मांग अधीक्षक को सौंपा गया था। उनमें कहा गया था कि 6 माह से नर्स, जो नवनियुक्त नर्स है, उनका वेतन भुगतान नहीं हुआ है, उनका वेतन भुगतान अविलंब किया जाए। छुट्टी के दिनों में कोविड-19 के दौरान जो कर्मचारी काम किए हैं उनको 350 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से देने का प्रावधान है। उस वेतन को देने के लिए मांग किए थे और कार्यालय के द्वारा कहा गया था कि आपको भुगतान कर देंगे, 19 तारीख का समय दिए थे, उनके द्वारा भुगतान नहीं किया गया। वर्दी भत्ता इन लोगों का बकाया है, वह भी नहीं भुगतान किया गया। MACP कई कर्मियों का बकाया है जो कि 10 वर्ष 20 वर्ष 30 वर्ष में देने का प्रावधान है, वह भी भुगतान नहीं किया गया है। बहुत से कर्मी ऐसे हैं जिनका वेतन कटौती कर लिया गया है, वह भी, ये लोग काम किए हैं, अपने हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के अधीन काम किए हैं, लेकिन अब्सेंट दिखा करके इन लोगों का वेतन काट दिया गया है। वैसे भी बहुत से 58 कर्मी हैं, उन लोगों का भी बकाया का मांग किया गया है, किंतु कार्यालय की हठधर्मिता के कारण कार्यालय के द्वारा एक बार भी वार्ता के लिए कॉल नहीं किया गया और इसका निदान करने के लिए जो है इस दिशा में पहल नहीं किया गया और बाध्य होकर के तमाम कर्मचारी आक्रोशित होकर के हम आज मायागंज अधीक्षक अस्पताल के आगे में धरना देने के लिए आए हैं और उन्हें चेता रहे हैं इस धरना के माध्यम से कि यदि आप जायज मांगों को पूरा नहीं करते हैं तो यह आंदोलन आगे भी चलेगा और उग्र होगा। इस आंदोलन को आगे चलने पर जो भी परेशानी होगी वो परेशानी का जिम्मेदार जो है विभाग को होना पड़ेगा, मायागंज अधीक्षक, मायागंज अस्पताल के अधीक्षक को होना पड़ेगा। इसीलिए हम आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से उन्हें सूचित करना चाहते हैं कि आप हमारी मांगों को अविलंब पूरा करें। हम लोग अभी जो है धरना पर बैठेंगे और यदि शाम तक निदान नहीं हुआ तो आगे के लिए भी जो है योजना बनाया जाएगा। मेरा नाम श्याम नंदन सिंह, बिहार राज्य राजपत्रित कर्मचारी महासंघ गोपगुट के जिला सचिव। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, धरना सफल होगा। इंकलाब टीवी चैनल यदि आपको पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।